सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल. माई सेल्फ प्रभात ठाकुर. एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी ब्लॉग पोस्ट का आप ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं. देखिए, जब भी आप बात करते हैं एसईओ की, तो एसईओ दो टाइप्स के होते हैं, ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ. ऑफ पेज एसईओ करना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ एक वीडियो के अंदर. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑन पेज एसईओ की. एक्चुअली जब भी आप किसी भी ब्लॉग पोस्ट को अंदर रैंक कराना चाहते हैं सर्च इंजन के, तो फिर उस टाइम पे आपको ऑन पेज एसईओ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. एक्चुअली ऑन पेज एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आपका कोई भी ब्लॉग पोस्ट सर्च इंजन के अंदर दिखाई देता है, रैंक करता है या फिर यूजर्स को जो है विजिबल होता है. सो ऑन पेज एसईओ करना हम लोग इस वीडियो के अंदर आज सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार ऑन पेज एसईओ करने के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है और फिर कैसे उसको करना है. तो देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी हमें यह समझना पड़ेगा कि सर्च इंजन जो होता है वो कैसे किसी भी पोस्ट को पढ़ता है. सो बेसिकली सर्च इंजन तीन फेजेस से होकर गुजरता है किसी भी पोस्ट का रिजल्ट रखते समय. सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो करता है क्रॉलिंग, फिर करता है इंडेक्सिंग और फिर करता है रैंकिंग. क्रॉलिंग का मतलब क्या है कि इंटरनेट के ऊपर उस क्वेरी से रिलेटेड, उस क्वेरी से रेलिवेंट जितने भी पोस्ट होंगे वो उन सब के सबको पढ़ेगा. एक एक इमेज के थ्रू जाएगा, एक एक लिंक के थ्रू जाएगा, सारे पोस्ट के थ्रू जाएगा और उन सबको पढ़ेगा. फिर उनको इंडेक्स करेगा. इंडेक्स मतलब उन सबको इकट्ठा करेगा. इकट्ठा करने के बाद उनको फिर रैंक करेगा, अरेंज करेगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर. सो इस तरीके से जो होता है कोई भी सर्च इंजन जो होता है काम करता है. अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने वेबसाइट को, अपने पोस्ट को इस तरीके से मॉड्यूलेट करते हैं, इस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, कस्टमाइज करते हैं कि जब भी कोई सर्च इंजन किसी भी पोस्ट को पढ़े, किसी भी क्वेरी से रिलेटेड कुछ भी ढूंढे, तो हमारा जो वेबसाइट हो, हमारा जो पोस्ट हो, वो विजिबल हो उसको और वो वहां से हमारे कंटेंट को उठा के रैंक करा सके अपने लिस्ट में, अपनी इंडेक्सिंग में. सो इसलिए जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज एसईओ जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. बेसिकली आपको समझना पड़ेगा ऑन पेज एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है. देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो एसईओ ऑफ पेज और ऑन पेज होते हैं, इन दोनों का अलग अलग रोल होता है. ऑफ पेज जो होता है वो आपके ब्लॉग को रैंक कराता है, आपकी वेबसाइट को रैंक कराता है, और जो ऑन पेज एसईओ होता है वो आपकी पोस्ट को रैंक कराता है, आपकी पोस्ट को हेल्प करता है सर्च इंजन द्वारा पढ़े जाने में. सो इसलिए आज उसी के बारे में बात करने वाले. सबसे पहले आपको एक पोस्ट ओपन करके दिखाता हूं. मान के चलिए यही हमारा एक पोस्ट है, व्हाट्सएप बिग फीचर, फेक न्यूज विल गेट कॉट इमीडिएटली. ये मैंने एक पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट के अंदर आप देख सकते हैं पहले एक इमेज आया हुआ है, देन फिर उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक ट्वीट एम्बेड किया हुआ है, देन फिर उसके बाद ये फिर से एक पैराग्राफ आया हुआ है. अब देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सर्च इंजन इसको किस तरीके से पढ़ेगा. सबसे पहले जाएगा वो टाइटल के थ्रू. देखिए, टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी सर्च इंजन पढ़ता है, क्योंकि टाइटल ही एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसी लाइन है जिस पे सर्च इंजन सबसे ज्यादा फोकस करता है. देन फिर उसके बाद आते हैं आपका टेक्स्ट. आपके टेक्स्ट में भी जो हाइलाइटेड टेक्स्ट है, हाइलाइटेड टेक्स्ट वो बताता है कि आपका पोस्ट किससे रिलेटेड है. इसलिए मैं आपको बताऊंगा हाईलाइट कैसे करना है टेक्स्ट को और किन किन टेक्स्ट को, किस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है. देन फिर उसके बाद बात करते हैं हमारा जो इमेजेस होते हैं. अब देखिए, इमेजेस भी सबसे पहली चीज, तो आपको सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है इमेजेस से रिलेटेड वो ये है कि जो आपके इमेजेस होने चाहिए वो लो क्वालिटी के होने चाहिए और आपके ऐसे इमेजेस होने चाहिए जो आपके वेब पेज को स्लो ना बनाए. मतलब अगर आपने बहुत हाई क्वालिटी के, बहुत 4K HD क्वालिटी में इमेजेस डाले तो उनकी लोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. तो इसलिए जो सर्च इंजन होगा वो आपके वेब पेज को नेगलेक्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपके पेज को लोड करे, या फिर वो नहीं चाहता जो यूजर है उसको इतना टाइम लगे आपके पेज को लोड करने में या फिर उसको ओपन करने में. तो इसलिए जो हाई क्वालिटी की इमेजेस है उनको आप इग्नोर कीजिए, लो क्वालिटी की इमेजेस डालिए. देन फिर उसके बाद मैं बात करता हूं कि सर्च इंजन इमेजेस को पढ़ता कैसे है. वो इमेजेस पे लिखे टेक्स्ट को, इमेजेस को नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है ओल्ट टेक्स्ट को. ओल्ट टेक्स्ट क्या होता है वो भी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, सब कुछ हम बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं चलता हूं अपने ब्लॉग के अंदर और एक न्यू पोस्ट पे क्लिक कर लेते हैं. न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कोई भी ओल्ट टेक्स्ट कैसे दिया जाता है, किस तरीके से आपको इमेजेस को पब्लिश करना है. सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छा सा टाइटल लिख लेना है. टाइटल लिख लेने के बाद आप लोगों को, देखिए मैं एक पोस्ट आपको करके दिखा देता हूं, बेसिकली इसी को कॉपी करते रहते हैं और वहां पे पेस्ट करते रहते हैं. इसको मैंने कॉपी किया यहां से एंड फिर इसको करते हैं यहां पे पेस्ट. ठीक है, मैंने टाइटल लिख लिया. टाइटल लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एक पैराग्राफ देना है या फिर कोई भी इमेज देना है. मैं ये पहले पैराग्राफ दे देता हूं यहां तक और इसको यहां पे करता हूं पेस्ट, देन फिर इसको करता हूं एंटर और यहां पे मैं एक इमेज डालूंगा. इमेज अब मैं डालता हूं यहां से अपने पीसी से, यहां पे करता हूं मैं फ्रॉम दिस ब्लॉग, एंड जो इमेज मैं पहले ही डाल चुका हूं वो मैं यहां पे डाल दूंगा. मान के चलिए मैं यही इमेज जो है वो डालने वाला हूं. कोई भी आपको रेंडम में डाल के दिखा देता हूं कोई भी इमेज.
सो मैं अभी ये इमेज मैंने डाल लिया। अब देखिए ये बेसिकली एक एचडी इमेज है, हाई क्वालिटी इमेज है। आपको इसको ज्यादातर ध्यान रख क्या रखना है, तो आप इसको स्मॉल में करिए, मीडियम रखिए, लार्ज रखिए, बट एक्स्ट्रा लार्ज नहीं रखना अगर आपका बहुत हाई क्वालिटी इमेज है। अगर आपका लो क्वालिटी इमेज है तो आप इसको किसी भी डायमेंशन में रख सकते हैं। अब देखिए आपको बेसिकली आपको ध्यान यही रखना है, हमेशा आपको ट्राई करना कि आप लो क्वालिटी इमेजेस डालें, ठीक है। देन फिर उसके बाद इमेजेस को आपको डालना है ऑल्ट टेक्स्ट। ये देखिए प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट देना है। बेसिकली क्या होता है कि इमेजेस को सर्च इंजन डायरेक्ट नहीं पढ़ता, वो इमेजेस पे लिखे कंटेंट को नहीं पढ़ता, इमेजेस में क्या दिख रहा है वो नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है उस इमेज के पीछे लिखे हुए अल्टरनेटिव टेक्स्ट को, जो कि टेक्स्ट होता है जो डीफ लोग होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, या फिर वो लोग जो विजुअल इंपेयरमेंट से सर्च करते हैं उन लोगों के लिए ऑल्ट टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट होता है। तो सर्च इंजन क्या करता है, वो इसी टेक्स्ट को पढ़ता है और इसी टेक्स्ट के बेसिस पे आपके इमेजेस को या आपके जो पोस्ट होती है उसको डिस्प्ले करता है सर्च रिजल्ट्स के अंदर। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे डालना है वो टेक्स्ट, वो कीवर्ड जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ व्हाट्सएप लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट के अंदर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ और करता हूँ ओके, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है इसको आपको लगाना है ओल्ड टेक्स्ट को। फिर कैप्शन डालना है, कैप्शन में भी आपको यही डालना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद आपको अपना पैराग्राफ लिखना है। फिर दोबारा से मैं ये पैराग्राफ जो है इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से फटाफट, और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। मैंने पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिया। अब इसी तरीके से आप दो तीन या चार इमेजेस आपको आराम से डालने हैं अपने पोस्ट के अंदर। एक दो इमेजेस वैसे ना भी डालो तो भी चलेगा, बट इमेजेस आपके पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। इमेजेस बेसिकली सर्च इंजन के लिए कोई मायने नहीं रखते, बट आपके लिए, आपके यूजर के एक्सपीरियंस के लिए, आपकी पोस्ट के ऊपर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपकी पोस्ट को, आपके ब्लॉग को एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करते हैं। देन फिर उसके बाद बात करते हैं कि अब आपको क्या करना है। अब आपको इसमें कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करना है, वो टेक्स्ट, वो कीवर्ड जो जिन पे आप काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कीवर्ड्स नहीं मिल रहे आपके टेक्स्ट के अंदर तो आपको ने अलग से डालना पड़ेगा। जैसे मैं कर रहा हूं व्हाट्सएप लेटेस्ट ट्रिक पे काम, तो व्हाट्सएप लेटेस्ट ट्रिक में लिख दूंगा लेटेस्ट अपडेट, या फिर व्हाट्सएप अपडेट 2020, ठीक है। और एक और मैं यहां पे डाल देता हूं व्हाट्सएप लेटेस्ट न्यूज। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है काम करना है अपने कीवर्ड्स के ऊपर। अब ये तीन कीवर्ड जिन पे मैं फोकस करके चल रहा हूँ, इनको मेरे को करना है बोल्ड, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी सर्च इंजन पढ़ता है किसी भी पोस्ट को तो सबसे पहले वो टाइटल पढ़ता है, देन फिर वो टेक्स्ट पढ़ता है जो कि बोल्ड हुआ हुआ है, क्योंकि वो सारे टेक्स्ट में से उसको अलग से हाईलाइट होकर दिखाई देता है। तो इसलिए जो आपका टेक्स्ट जो बोल्ड होगा वो आपके कीवर्ड्स होने चाहिए जिन पे आप काम कर रहे हैं या फिर जिनको लोग सर्च कर सकते हैं सर्च इंजन के अंदर। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है टेक्स्ट को बोल्ड करना है। अगर आपका टेक्स्ट आपके पैराग्राफ्स के अंदर ही मिल जाता तो वेल एंड गुड, उसको बोल्ड कर दीजिए, नहीं तो आप अलग से लिख के उसको बोल्ड कर दीजिए। देन फिर आपको क्या करना है, दो या तीन लिंक्स प्रोवाइड करने हैं अपनी पोस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी और पोस्ट का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी भी, जैसे ये वेबिटा इन्फो, इसको मैं कोई भी लिंक बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ इसका लिंक, ये देखिए मैंने लिंक बनाया हुआ है। आपको इस तरीके से लिंक्स जो है वो प्रोवाइड करने अपनी पोस्ट के अंदर, तीन या चार। उससे क्या होता है, उसका आपका एसईओ क्वालिटी सुधरता है और आपके और भी बहुत सारे पेजेस आपकी एक पोस्ट से लिंक हो जाते हैं। तो इसलिए जो आपका सर्च इंजन होता है वो आपके पोस्ट को इजिली कन्फिगर कर पाता है और उसको इजिली जो है एक्सेस कर पाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है एक पोस्ट लिखना है। देन फिर बात करते हैं यहाँ पे लेबल्स में। लेबल्स बेसिकली आपके टैग्स भी होते हैं और यही वो की फीचर होता है जो आपके पोस्ट को कैटेगराइज करने के काम आता है। इसलिए आपको लेबल्स को बड़े ध्यान से देना है। एक में एक तो इसमें आपको कैटेगरी डालना है और फिर उसके बाद आपको इससे रिलेटेड जो है टैग्स डालना है, जैसे व्हाट्सएप अपडेट और भी बहुत सारे कोमा लगा के आपको यहाँ पे डालते रहने हैं, ठीक है। डन की बात करते हैं, परमालिंक की यहाँ पे बात करते हैं। परमालिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे डाल लें तो आपका जो परमालिंक आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक की बात करें तो ऑटोमेटिक परमालिंक आपको मिल रहा है व्हाट्सएप बिग फीचर फेक न्यूज विल, इस तरीके से आपका जो ये आपका टाइटल है यही आपका परमालिंक मिलता है। बट आपको परमालिंक ये नहीं डालना, परमालिंक आपको क्या डालना है, जो आप जिस कीवर्ड पर आप काम कर रहे हैं। जैसे मैं कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ व्हाट्सएप अपडेट 2020, टू जीरो टू जीरो। एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप परमालिंक के अंदर स्पेसेस नहीं दे सकते, इसलिए आपको यहाँ पे हाइफ़न्स डालने हैं, ठीक है। अब आपको करना है डन, और ये देखिए परमालिंक मैंने बना लिया। यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, या तो आप अपने कीवर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं ये चीजें, या फिर आप अपना कोई भी कोई पैराग्राफ यहाँ पे लिख सकते हैं। पर्टिकुलर मैं यही पैराग्राफ यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो ये मैंने जो है सर्च डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया। इस तरीके से आप लोगों को जो है अपने
पेज को, अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना है जिससे कि सर्च इंजन उसको इजीली पढ़ सके, उसको रैंक करा सके गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर या फिर कोई भी रिजल्ट्स के अंदर, और आपके पोस्ट पर ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। देखिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक की इंपॉर्टेंस आप सबको पता है कि कितना ज्यादा होती है जब भी आप किसी गूगल एडसेंस का या फिर किसी एड सर्विस प्रोवाइडर का अप्रूवल लेने चलते हैं। तो इसलिए जो होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी वेबसाइट का। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी ऑन पेज एसईओ की, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ज्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग ब्लॉगिंग पे ही मोस्टली बात करते हैं। इसके बाद हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे, फिर एफिलिएट मार्केटिंग, और भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज मैं लाने वाला हूँ इस पूरे चैनल के अंदर। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @digital_charcha, आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।